जय भीम नवबुद्धा। मैं शाली आनंद, समय TV24 से। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भंते सुमित रत्न थेरा जी। भंते जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, पूरी दुनिया इनको जानती है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक इनकी पहचान है। लगातार धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म के कार्य में कर रहे हैं। तो आज हम भंते जी से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, और उन्हीं के बारे में हम उन्हीं से जानते हैं। तो भंते जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, धन्यवाद सम्यक TV24 में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। भंते जी, ये बताएं कि पूरे देश में आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को फैला रहे हैं, तो आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो इससे आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि जिस तरह से जानते कि विरोधी, क्योंकि जो इस काम में करता है उनके विरोधी कहीं ना कहीं पैदा हो जाते हैं, तो आपको इस खुलेआम काम कर रहे हैं और बिना किसी डर के, तो आपको डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से? शालिनी जी, एक बात हम बताएं आपको कि इस क्षेत्र में जो भी लोग निकल के आए, चाहे वो ज्योतिबाराव फुले हों, चाहे वो बाबा साहब हों, चाहे और भी कोई महापुरुष संत गुरु रहे हों, उनको हमेशा 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला, जब भी वो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य करेगा, जब भी वो हक वंचित लोगों को जगाने चेताने का कार्य करेगा, तो पहले उसको सताया जाता है, और जब वो उनके सताने में नहीं आता है, फिर वो लोग उसको चारित्रिक दोष लगाते हैं। जब वो चारित्रिक दोष से भी बच जाता है, इसके बाद उसे वो लग्जरियस जीवन देते हैं, उसे खरीदते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, और इसमें भी अगर वो झांसे में नहीं आता है तो ये लोग उसकी हत्या करते हैं, और अगर हत्या से भी बच जाता है वो व्यक्ति, तो बाद में उसी के ये पूजा करने लगते हैं। ये बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, इसलिए चक्र हमें पता है, इसलिए उनके तमाम धमकाने से, तमाम उनके बरगलाने से हम कभी डरे नहीं। और मेरा, चूँकि हमें भंते कहा जाता है, और भंते का शाब्दिक अर्थ है जो व्यक्ति अपने भय का अंत कर दे, वही भंते कहलाता है। इसलिए हम निर्भीक हैं, और मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं तथागत बुद्ध की संस्कृति, दर्शन, बाबा की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं। भंते जी, ये बताइए कि जिसे वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली की जो व्यवस्था चल रही है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? भारत में जो शिक्षा है, ये एक्चुअली दोहरी शिक्षा है, और ये दोहरी शिक्षा कुछ लोगों के लिए लाभान्वित सिद्ध हो रही है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो रही है। ये जब से दोहरी शिक्षा देश भारत में लागू हुई, तो गरीबों के बच्चे कभी अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाए, और अमीरों के बच्चे कभी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने नहीं आए, इसलिए यहाँ दो बिंगे बन गई। क्योंकि जब सरकार ने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, तो यहाँ लोगों ने पब्लिक सेटलमेंट किया, अपने अपने विद्यालय बना लिए। विचार करिए, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या सारी सरकारें मिलकर नवोदय के स्टैंडर्ड के और केंद्रीय स्कूल के स्टैंडर्ड के अगर स्कूल्स जगह जगह बना दिए जाएँ, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में समान शिक्षा हो जाएगी और सभी लोग पढ़ पाएंगे, तब जाकर के फिर कंपटीशन हो, तब समझ में आता है। अब जब समान सिलेबस है और समान पेपर होते हैं और अलग अलग स्कूल हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये समानता की बात हो रही है? दोहरी शिक्षा भारत के लिए अभिशाप है, इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं समान शिक्षा का पसदर हूँ, और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक भारत में समान शिक्षा नहीं हो जाती। भंते जी, जैसे 6,447 जातियाँ जो बहुजन समाज की हैं, वो बटी हुई हैं, तो आप इन सबको एक साथ एक कड़ी में किस तरह से जोड़ पाएंगे? शालिनी जी, मैं स्पष्ट करके बता दूं कि जिन्होंने हमें जातियों में बांट करके हम पर हुकूमत की है, हम पर शासन किया है, वही फार्मूला हमें अपनाना पड़ेगा। उन सभी जातियों के बीच में जाना पड़ेगा, उनके महापुरुषों की चर्चा करनी पड़ेगी, उनसे मैत्री भाव स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम सभी लोगों को जोड़ पाएंगे। लोग इसलिए नहीं जुड़ते हैं क्योंकि उनको बताया गया कि तुम उनसे ऊंचे हो, तुम उनसे ऊंचे हो, जबकि बहुजन समाज में न कोई नीचा है न कोई ऊंचा है, सब एक जैसे लोग हैं। तो मेरा ये प्रयास है, तथागत बुद्ध एक ऐसी छाया हैं जिनकी छाया में बैठ करके सभी बहुजन समाज के लोग एक होंगे और बहुजन मैत्री बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है, मैं लगा हुआ हूँ। भंते जी, जिस तरह से आप निर्भीक होकर काम कर रहे हैं और लगातार आप बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं धर्म के कार्य में, तो लोग कहीं ना कहीं आपके इस कार्य को अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोग आप पर ये आरोप भी लगाते हैं कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई काम करें आप, तो जिनका जैसा नज़रिया है उस नज़रिए से लोग सोचते हैं। तथागत बुद्ध से लेके अब तक कभी भी बौद्ध भिक्षुओं ने,
राजनीति नहीं की, हमेशा बौद्ध भिक्षु किंग मेकर बन के रहा है। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु जब चाहते हैं तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदल देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी बौद्ध भिक्षु डायरेक्टर की भूमिका में काम करें और एक्टर की भूमिका में हमारे बहुजन समाज के नेता रहें और वो हमसे डायरेक्शन लेते रहें, हमसे सलाह मशवरा लेते रहें। तो मैं डायरेक्टर की भूमिका इस आंदोलन के लिए निभाऊंगा, मैं कभी एक्टर बनने का प्रयास नहीं करूंगा, चूँकि राजनीति हमारे उपासक करेंगे। मैं चूँकि धर्मगुरु हूँ, अगर मेरा उपासक प्रधानमंत्री भी हो जाएगा, अगर मेरे सामने आता है तो मुझे वंदामी बोलेगा, तो बताइए मैं बड़ा हुआ हूँ कि प्रधानमंत्री बड़ा हुआ। इसलिए हम बड़े हैं, हमारा बहुत बड़ा ऊंचा पद है, राजनीति में जाकर के हम अपना कद छोटा नहीं करेंगे। इसलिए ये गलत आरोप लोग लगा रहे हैं, जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनके आरोपों का हम खंडन करते हैं। भंते जी, जिस तरह से पूरे देश में जो बौद्ध विरासत जहाँ जहाँ भी बनी हुई है उस पर हमले हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जितना 1250 साल यहाँ बौद्धों ने शासन किया, बौद्ध संस्कृति के राजा रहे, इसके बाद चूंकि समय बदलता रहा, राजा बदलते रहे, संस्कृतियाँ बदलती रहीं, विचारधाराएँ बदलती रहीं, देश भारत में जितनी भी खूबसूरत जगह हैं, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो समतल भूमि हो, चाहे वो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हों, वो सभी पहले बौद्ध स्थल थे। चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, उदंतपुरी हो, विक्रमशिला हो, सिरपुर हो, मथुरा हो, बनारस हो, अयोध्या हो, ये सारे के सारे बौद्ध स्थल हैं, ये हमारे पास प्रमाण हैं। चूँकि अब इस समय अनुयायी उनके नहीं हैं, दूसरी व्यवस्था के ज़्यादा अनुयायी हो गए तो उन पर कब्जा हो रहा है, लेकिन चूँकि अब हमारी मांग है सरकार से कि जब अधिनियम आपने बना दिया 1958-1972, तो क्यों न पुरातत्व जब हर जगह कब्जा किए है, तो मैं चाहता हूं कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए। जितनी भी हमारी विरासतें हैं, तो मैं उनकी रक्षा के लिए संघर्ष करता रहूंगा, क्योंकि अगर हम अपनी विरासतों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने बाप दादा के बनाए हुए स्मारकों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सुंदर घर में कोठी बनाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहुजन जागरूक लोग आएँ और अपनी अपनी विरासतों की रक्षा करें। अभी हाल में ही बाबा साहब के घर पर हमला हुआ है, ये दिवालिया मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब के पुतले तोड़ते रहे, उनकी गुस्सा शांत नहीं हुई, आज वो बाबा साहब का घर तोड़ने चले गए। तो बहुजनों को जागना पड़ेगा, जब तक अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, विरासत की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कभी वो शासक बन पाएंगे और ये भारत कभी बौद्धमय बन पाएगा। शालिनी जी, पूरे देश के जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, उनके लिए एक ही मेरा संदेश है, जो बुद्ध ने आदेश हमें दिया, चरख भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। सभी बौद्ध भिक्षुओं को गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, गली-गली जाना चाहिए और जाकर के बुद्ध का वो ऐतिहासिक मार्ग, वो कारुणिक मार्ग, वो उनका सदमार्ग लोगों को बताना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए, और सभी लोगों से मैत्री भाव करते हुए सभी के साथ स्नेह प्यार करना चाहिए। और जो जागरूक उपासक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जागरूक बने और अपनी विरासतों की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भिक्षु जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और लोगों के जो जो दिमाग में सवाल चल रहे थे आपके लिए, उनका आपने बखूबी जवाब दिया और शायद लोगों को जवाब मिल गया होगा। और जिस तरह से भंते जी काम कर रहे हैं, अपने धर्म को लेकर, अपने धर्म कार्य को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, वो हर क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, धर्म को लेकर, सबको आगे आने की और पूरे बहुजन समाज को एक कड़ी में जोड़ने की जो पहल है उनकी, जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका कार्य सराहनीय है। और इसी के साथ सालियान को दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।